मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बोलतात, थेट जाऊयात. नारेला पाठीशी घातलं जाणार नाही, त्याच्यावर कारवाई केली जाईल हे या ठिकाणी सांगितलं. हिंदी भाषा दिसते की लगातार कोल्हापूर बंद का आवाहन भी किया गया है. नहीं, राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने का रखने की जिम्मेदारी सरकार की है. गृह विभाग और गृह मंत्री जी लगातार सभी अधिकारियों के साथ संपर्क में, मैं खुद पर्सनली अधिकारियों के साथ संपर्क में हूँ और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी लोगों ने सहयोग करने की आवश्यकता है, ऐसा आह्वान भी मैं करता हूँ. और राज्य में सभी लोग शांति से रहे या राज्य में शांति रहे, अमन रहे, इसके लिए सभी लोगों ने सहयोग करने की आवश्यकता है. मुंबई में एक के साथ में सर इस तरह से कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर, ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और जो घटना हुई है वो दुर्दैवी घटना है जिसमें पुलिस जांच कर रही है और संबंधित जो जिसके ऊपर शक है उसने भी सुसाइड किया है. पुलिस उसकी जांच कर रही है और इसके ऊपर जो भी दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी. झालेली घटना अतिशय दुर्दैवी आहे. एका मुलीचा मृत्यू झालेला आहे. पुलिस तपास सुरू आहे आणि त्यामध्ये जे दोषी असतील त्याची चौकशी केली जाईल आणि कारवाई केली जाईल. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बोलत होते. राज्यामध्ये वातावरणामध्ये शांतता राहावी यासाठी आवाहन सुद्धा त्यांनी केलेलं आहे. गृह मंत्रालय या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी सुद्धा करेल हे सुद्धा त्यांनी सांगितलेलं आहे. राज्यातल्या नागरिकांना त्यांनी आवाहन केलेलं आहे, समाजामधलं वातावरण खराब होणार नाही यासाठी प्रयत्न करावेत, सगळ्यांनी सहकार्य करावं असं आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलेलं आहे. कोल्हापूरमध्ये ही बातमी आपण पाहतोय. कोल्हापूरमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये वातावरण कलुषित झालेलं आहे.